आधे हो प्रोग्राम में थे ऐप को के लगाया पागल ड्रामा ड्रामा पैसे काफी ज्यादा बन गए हैं। अरे नासिर भाई मैं कब आगे जा रहा हूँ, तुम भी यही हो, मैं भी यही हूँ। और मेरा होटल भी नहीं, जो यहाँ पर नहीं रहेगा अगर मैं तुम सब को यूं मुझसे चाहिए पैदा रहा तो। नासिर भाई तुम हमें ताने मार रहे हो। तू तो चुप रह, तू सबसे ज्यादा तंग करता है मुझे। नासिर भाई भूल गए जो मुझसे होटल के लिए बर्थ उधार लेते थे, मैंने तो ये दुकान ना खोली थी। होटल होटल ऐसे करता हूँ जैसे दुकान के नहीं फाइव स्टार होटल के मालिक हो। अब चुप रहना मुराद, वरना ये पहले से पे दे मारूंगा। अरे अरे इजाज़त तो देखो, काकू के सामने अपने पुराने कपड़ों की ऐसी तारीफ करते हैं जैसे इसने खुद तैयार किए हो। बाजी अगर स्वेटर चेक करो, कसम से उम्दा कलर है, इसको चाहे गर्म पानी से वॉश करो चाहे धूप में सुखाओ, इसके कलर का गारंटी है बाजी। अरे जावेद भाई क्या हुआ, तुम्हारा सर्टन मिल गया क्या? देखो नसीर भाई हम तुम्हारा बहुत इज्जत करते हैं, इस टाइम हमें तंग ना करो, हमारा मिटर्स का आटा है। नसीर भाई इन दोनों को समझा लो वरना यहाँ गड़बड़ हो जाएगा, सुबह सुबह हमें तंग ना करो। अरे हसन भाई क्या हाल है, आज कॉलेज से जल्दी आ गया? हाँ खलील भाई आज चौक पे जाना है इसलिए। कसम से हसन भाई तुम यहाँ आते तो जी खुश हो जाता तुमसे मिलकर। सच बोलते हैं हसन, यहाँ पूरे बाजार में एक भी जवान तुम कैसा देखते हैं तुम? आप सब लोगों का प्यार ही तो है वरना मैं किस लायक हूँ? असल अच्छा आदमी क्यों ना हो, इसका बाप भी अच्छा आदमी था, उसका खून कसर क्यों ना हो। ये छोटा था जिस वक्त अपनी पुलिस ड्यूटी के दौरान शहीद हो गया था, किसी से नहीं डरता था वो, बिल्कुल आज की तरह मुझे याद है। जी नासिर चाचा मैं भी किसी से नहीं डरता, मेरी माँ ने मुझे हमेशा यही सिखाया कि हक की बात करो और किसी से न डरो अल्लाह के सिवा। शाबाश बेटा ख्याल रखा कर, आज का जमाना बदल गया है। जी चल रहे चाचा पर्ची निकाल, चलो बर्तन वाला पर्ची निकाल। अबे चल बे पर्ची निकाल। यारा अबे तो माफ करो, हम मुसाफिर आदमी है। अबे तो मुसाफिर है ना, जब तो मुसाफिर है तो किराया भी तो देना पड़ेगा ना, किराया नहीं देगा तो सफर कैसे करेगा, समझा का? अबे तू कौन है बे चूहे? असल बेटा ये क्या कर रहे हो भाई, अब नाराज ना हो या कुछ जानता। नासिर जाने ये कौन लोग हैं, किस बात के पैसे ले रहे हैं? अबे ये बूढ़ा तेरे क्या बताएगा, मैं बताता हूँ।
गरीबों से टैक्स लेने का। अच्छा असल बेटा ना कर ना पढ़ो इस मामले में। अब तो इस मामले में पड़ गया, देख कह रही हूँ मारो इसे। एक बात सबके सब कान खोल के सुन लो, ये हमारा इलाका है और अगर यहाँ पर वार्ड में जाते हो तो हमारे सूदों के मुताबिक रहना पड़ेगा और ना तुम सबका भी यहाँ होगा जो इसका हुआ है। और हाँ, हमारे भाई इलेक्शन में खड़े हो रहे हैं, तुम सब लोगों ने फंड भी जमा कराने हैं और वार्ड भी देने हैं। और हाँ, अगर किसी ने कोई चूचा की तो इतना मारेंगे कि नानी याद आ जाएगी। चलो चलो असल को अस्पताल ले चलते हैं। चलो असल भाई। नहीं, मैंने नहीं जाना। बस खाला मत पूछो, गुंडे और साथियों ने अपने असल में बहुत मारा। हाय हाय, क्या कह रही हो, हाथ टूट जाए उस जानों को, मेरे खून जैसे बेटे को किस तरह मारा है जानों ने, सर नहीं आया, देखो कितनी बुरी तरह मारा है। मैं ठीक हूँ खाला, फिक्र मत करें। और हाँ, तुम लोग क्या खड़े हैं, हम मुंह देख रहे थे, किसी ने रोका होगी? हाँ, तुम जानती हो वो कितने खतरनाक लोग हैं। गरीब लोग हैं, हम बोलते तो हमारा भी यही हाल करता जो इस बेचारे का हुआ है। तुम लोगों के यही साल तुम्हें बुरा दिन बना देती है। बहादुर दिखाते तो तुम्हारी तरह मार खा लेते। असल हम क्या कर सकते थे, वो बदमाश है बदमाश और हम सीधे साधे लोग, हम मारे खाएं या रोजी कमाएं। और तुम्हें किस बात का फिक्र है, हमारा दूध डोला बच्चा है, हमें उनके लिए जीना है। दुकानों को ताला लगा देना चाहिए। क्या दुकानों को ताला लगाओगे? जी हाँ खाला, ये दुकानों को ताला ही लगा सकते हैं, गुंडों को लगाम नहीं दे सकते। गुंडे हैं ही क्या चीज, तीन बंदे आते हैं और पूरे बाजार को अपनी दहशत की जूती की नोक पर रख लेते हैं। बस कर बस कर, इतना गुस्सा ना कर। मैं बताती हूँ इन भाई लोगों का मुकाबला कैसे करना है। मैं एक ऐसे गुंडे को जानती हूँ जो इन गुंडों से सबसे बड़ा गुंडा है। सच कह रही हो खाला? हाँ सच कह रही हूँ, तुम लोग देख लेना कि वो लोग किस तरह भागे जाएंगे। तुम लोग बेफिक्र हो जाओ, जब वो लोग अगले हफ्ते यहाँ जहाँ टैक्स लेने आएंगे तो ही मैं उस गुंडे को बुलाऊंगी। तुम लोग देख लेना कि वो कैसे भागेंगे। और हाँ, तुम लोग सब अपना अपना काम करो और तुम हसन घर जाकर आराम करो। चलो खाला, ये क्या? ये मेरी कुछ चूड़ियां, जब वो गुंडे उनको दे देना। खाला हम तुम्हें गाला काटता है, हम भी सरदार हो गए, हम तुम्हारी चूड़ियां गुंडों को कभी नहीं देगा। हाँ हाँ, हम ऐसे कभी भी नहीं होने देगा। तो क्या फिर एक गुंडे से बच के दूसरे गुंडे के चुंगल में फंसना अकलमंदी है? रख लो ये चूड़ियां। नहीं खाला, ऐसा कभी नहीं हो सकता, हम आप लोग के जेवर कभी नहीं देगा गुंडों को, चाहे वो कुछ भी करे। पर हम उनसे लड़ेंगे कैसे? अरे उस दिन की मार का डर खत्म हो गया। चलो टाइम जाया ना करो, सब लोग पैसे निकालो, हमने और भी फंड इकट्ठे करने जाना है। फंड यानी गुंडा टैक्स। अबे तू फिर
है पर बोलता नहीं, तू सोचता है पर बोलता नहीं, तू देखता है पर बोलता नहीं, तू सोचता है पर बोलता नहीं। कह दे रंग बदलना है, ढलना है नहीं तकदीरों में ढलना है। तुझे जिसका है इंतजार, जिसका है इंतजार, वो तू खुद है मेरे यार। उठ बांध कमर क्या डरता है, फिर देख खुदा क्या करता है। उठ बांध कमर क्या डरता है, फिर देख खुदा क्या करता है। उठ बांध कमर क्या डरता है, फिर देख खुदा क्या करता है। उठ बांध कमर क्या डरता है, फिर देख खुदा क्या करता है। बारह करोड़ उठे जो मिलकर साथ, मुश्किल दिन मुश्किल रात एक पल में आसा हो जाए। बारह करोड़ उठे जो मिलकर साथ, मुश्किल दिन मुश्किल रात एक पल में आसा हो जाए। बदलेंगे ये हालात, बदलेंगे हम क्या सोचता है। उठ बांध कमर क्या डरता है, फिर देख खुदा क्या करता है। उठ बांध कमर क्या डरता है, फिर देख खुदा क्या करता है। उठ बांध कमर क्या डरता है, फिर देख खुदा क्या करता है। उठ बांध कमर क्या डरता है, फिर देख खुदा क्या करता है। उठ बांध कमर क्या डरता है, फिर देख खुदा क्या करता है। उठ बांध कमर क्या डरता है, फिर देख खुदा क्या करता है। अरे भाई आप तो ऐसे ही नाराज हो गए, हम तो मस्जिद का चंदा लेने आए थे। ये तो आपकी मर्जी है, देना तो दो वरना कोई जबरदस्ती तो नहीं। चलो भागो यहाँ से, इन्हें शक्ल ना दिखाना अपनी। मैंने तुम लोगों से कहा था ना कि मैं एक ऐसे गुंडे को जानती हूँ जो इन गुंडों को एक मिनट में भगा सकता है। वो